सो गाइस इस टाइप की एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले पिक्सार्ट एप्लीकेशन में एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ऐड करना होगा, ठीक है। और भी बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से आ जाना होगा ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में आने के बाद आपको अपने मॉडल का कटआउट ऐड कर लेना होगा। कटआउट एड करने के बाद इसको बैकग्राउंड में आपको एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, मतलब कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है कि पूरे बैकग्राउंड में अच्छे से फिट मतलब एडजस्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही ऑसम लग रहा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ से हम इरेजर पे आएंगे, और इरेजर पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि इरेजर के हार्डनेस और ओपा साइज को कम कर लेंगे, और नीचे से कुछ इस तरीके से हम इसको इरेज कर लेंगे। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इतना काम करने के बाद हमें डन कर देना होगा। तो ये पे हमारी पहली स्टेप हो चुकी कंप्लीट। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा कि यहाँ से नीचे आना होगा, और यहाँ से हमें आना होगा टूल्स में। तो यहाँ से हम आ जाएंगे टूल्स में, और टूल्स में आने के बाद हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ से हमें सैचुरेशन को फुल्ली माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फोटो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से एडिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब अगली स्टेप में आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आना होगा आपको ड्रो टूल के अंदर। तो यहाँ से हम आ जाते हैं ड्रो टूल में, और ड्रो टूल में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा कि यहाँ से आपको एक बॉर्डर से बनाना होगा व्हाइट कलर का। उससे पहले आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना होगा, आप जो भी कलर की बॉर्डर बनाना चाहते हो ना वो कलर सेलेक्ट करना। तो यहाँ से हम रेड कलर सेलेक्ट करेंगे, और ये वाला क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना होगा कि इस स्टेप को कुछ इस टाइप से हमें एडजस्ट कर लेना होगा अपने बैकग्राउंड में। तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओके, बहुत ही बढ़िया, इतना काम हमको कर लेना है और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। सो इतना काम करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर देना होगा डन। तो यहाँ पर हमारी तीन स्टेप तो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अगेन एक और स्टेप में क्या करना होगा कि यहाँ से हमें आना होगा ऐड फोटो के अंदर। तो यहाँ से हम ऐड फोटो में आके अपने मॉडल का कटआउट ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगेन ऐड करना है, और अब के बाद इसको आपको इस टाइप से कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे आपको साइड में क्या दिखना होगा, टेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ पे आपको अपने मॉडल का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोकिर भाई का फोटो यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टोकिर एडिट्स। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोकिर एडिट्स लिख लेता हूँ, टोकिर एडिट, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना होगा। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो आपको जो फॉन्ट्स बटन पसंद आए ना वो फॉन्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो फिलहाल मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसको मूव डाउन कर दूंगा। तो ये बहुत ही ऑसम लग रहा है। अब हमें क्या करना होगा, इस फोन की डुप्लीकेट लेयर बना लेनी होगी, सॉरी मॉडल की नहीं, हमें फ़ोन की डुप्लीकेट लेयर बना लेनी होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ़ोन पे क्लिक करेंगे, और इसकी डुप्लीकेट लेयर बना के इसको भी हम मूव डाउन कर देंगे, ठीक है। सो इतना काम आपको करके डन कर देना होगा। तो इसको मैं अच्छे से एडजस्ट करके मूव डाउन कर देता हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हो। इतना काम करने के बाद हमें डन कर देना होगा। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना होगा कि यहाँ से हमें आना होगा ऐड फोटो के अंदर, और ऐड फोटो में आने के बाद हमें क्या करना होगा कि सिंपली अपने मॉडल सॉरी एक शेडो का पीएनजी ऐड कर लेना होगा, और शेडो का पीएनजी ऐड करने में इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना होगा, और इसकी ओपेसिटी पे हमें कम कर देनी होगी, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे, और इतना काम करने के बाद हमें राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर देना होगा डन। तो यहाँ पर हमारी इतनी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अगेन ऐड फोटो पे आ जाना होगा। अब अगेन ऐड फोटो पे आने के बाद हमें तीन चार पीएनजी ऐड कर लेने हैं। इससे पहले हम एक शेडो का पीएनजी ऐड करेंगे, और शेडो का पीएनजी ऐड करने के बाद हम राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस ऐड फोटो पे आ जाएंगे, और हमें लास्ट के तीन पीएनजी सेट करने हैं, और उन तीन पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लाइट वाला पीएनजी है हम इसका यूज़ करेंगे। तो लाइट वाले पीएनजी का यूज़ करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, इसको ब्लेड में जाके स्क्रीन कर लेना होगा, और इसको इस टाइप से साइड में हमें एडजस्ट कर लेना होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद हमें यह सर्कल वाले पीएनजी को भी यूज़ कर लेंगे, तो सर्कल वाले पीएनजी को हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से रख देंगे, ठीक है। और लास्ट में जो लाइन वाला पीएनजी है इसको हम अपने मॉडल के नाम के ऊपर रख देंगे, ठीक है। इतना काम हमको कर लेना है, और इतना काम करने के बाद क्या करना होगा, इसकी डुप्लीकेट लेयर बना के इसको भी इस तरीके से साइड में एग्जिस्ट कर लेना है, और इतना काम करके हमें राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना होगा। तो यहाँ पे हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हमारा फोटो भी बन के हो चुका है रेडी। सो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो बताना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना।